समझते हैं एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं, उसमें डोमेन नेम क्या होता है, होस्ट नेम क्या होता है और @ का क्या काम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस मैंने लिखा है, इसमें एक कोई भी ईमेल एड्रेस है उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है आपका यूजर नेम और दूसरा होता है आपका डोमेन नेम। ठीक है, तो यूजर नेम आपका ये आपका हो गया यूजर नेम, @ के पहले का क्या होता है आपका यूजर नेम होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका होता है यूजर नेम और इसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम या होस्ट नेम। ठीक है, डोमेन नेम या होस्ट नेम इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो ये आपका @ होता है ईमेल में, ये यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ने का काम करता है। लिख सकते हैं यहां पर @ यूजर ठीक है, यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ने का काम करता है। यदि हमको इसको अलग अलग देखना पड़े, ये आपका इसमें होस्ट नेम क्या है और डोमेन नेम क्या है, तो देखिए जो ये जीमेल है, ठीक है, जीमेल, इसे हम बोलते हैं होस्ट नेम, और ये आपका जो .com है ये आपका होता है डोमेन नेम। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? एक ईमेल में दो भाग होते हैं, एक आपका होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। @ क्या करता है, यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसे हम डोमेन नेम या होस्ट नेम कहते हैं, @ के बाद वाले को डोमेन नेम या होस्ट नेम कहते हैं। इसमें यदि अलग अलग हमको देखा जाए तो जीमेल जो होता है आपका वो होस्ट नेम होता है और .com जो होता है वह क्या डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम कहीं होता है .in होता है।